Good morning, everyone. Please let me know if I'm audible to you guys. Okay, I am audible. Very well. So quickly share it in your group so that we can start the lecture. Ready? Is everyone ready? Okay, so वैसे तो ये क्लास 1 बजे होनी थी but because I was a little, I am a little busy at 1 PM, so I preponed it. कल से 1 बजे ही होगी. So let's see. आपको क्या करना है, आपको as usual questions का answer करना है, ठीक है? आप में से जो बच्चा भी मेरे बारे में जानना चाहता है इस स्लाइड पे से पढ़ सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सब्सक्रिप्शन अगर लेना है, वहां पर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन सब मिलते हैं. तो अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आपको क्या करना है, उसके लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद आपको यूपीएससी सीएससी पे क्लिक करना है, फिर आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद ये कोड यूज करना है, रजनी लाइव. सो दिस इज माई कोड, रजनी लाइव इज माई कोड, और आपको इस पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्लस कोर्स ले लो या सब्सक्रिप्शन में आइकॉनिक ले लो. तो प्लस और आइकॉनिक में देखो होता क्या है, प्लस में और आइकॉनिक में स्टडी मटेरियल आपको सेम मिलेगा, टीचर्स आपको सेम मिलेंगे. बस एक डिफरेंस क्या है कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने आप नहीं कर पाते हैं पढ़ाई, या जिनको कोई चाहिए जो हमेशा पूछता रहे उनसे कि कितना पढ़ा है, आपके आंसर राइटिंग चेक होते रहे, आपको पर्सनलाइज फीडबैक मिलते रहे, तो वो आइकॉनिक है आपके लिए, ठीक है? तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो और आप ये कोर्स ले सकते हो. इस पे ईएमआई भी अवेलेबल है. अगर आपको और डिटेल जानना हो इसके बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम आईडी पे RJNI2603, या फिर आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो. फेसबुक पेज है यूपीएससी विद रजनी झा, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो मेल मी. आप मुझे अगर इनमें से कुछ भी यूज नहीं करते तो आप मुझे मेल कर दो, आप मुझे मेल कर सकते हो rjni.education@gmail.com पे. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से पहला क्वेश्चन पढ़ो फिर इसका आंसर बताना मुझे. जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो. क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हो, यू रीड पॉलिटी, ज्योग्राफी सब पढ़ लेते हो, लेकिन ये छूट जाता है आपका, ये जो बायोलॉजी वाला पार्ट है छूट जाता है, और इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं. क्योंकि एक्चुअली बायोलॉजी ना ये आपकी इकोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो आपके इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? बी ओके. All right. बाकी बच्चे, what is the answer?
चलो लेट्स सी क्या आंसर होना चाहिए इसका. सो द क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स ब्लूम ड्यूरिंग नाइट टाइम. मतलब ज्यादातर जो रेगिस्तान वाले पौधे होते हैं वो रात को ही खिलते हैं, इसका क्या रीजन है. पहला ऑप्शन आपको दे रखा है देयर ब्लूमिंग इज कंट्रोल्ड बाय लो टेम्परेचर. मतलब ऐसा है कि अगर टेम्परेचर कम होगा तभी वो ब्लूम करेंगे या तभी वो खिलेंगे. दूसरा दे आर सेंसिटिव टू द फेजेस ऑफ मून. मतलब मून से कुछ रिलेटेड है उनका, चंद्रमा से कुछ रिलेशन है उनका. तीसरा द डेजर्ट इंसेक्ट्स ईट अवे फ्लावर्स ड्यूरिंग डे टाइम. मतलब दिन के टाइम में क्या होता है कि जो रेगिस्तान में कीड़े होते हैं, कीट वगैरह होते हैं, वो फूलों को खा जाते हैं. आप मुझे एक बात बताओ, अगर फूलों को खा भी जाते हैं, ओके फूलों को खा जाते हैं ठीक है, हम इससे बात करेंगे. डी है द डेजर्ट इंसेक्ट्स आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम. मतलब ये जो रेगिस्तान के कीड़े हैं ये रात के टाइम पे एक्टिव होते हैं. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, देखो डेजर्ट में मुझे बताओ टेम्परेचर कैसा होगा. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेजर्ट तो दिन में टेम्परेचर कैसा होगा. अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो दिन में कैसा टेम्परेचर होगा डेजर्ट में. वरुण ने डी बोला है, अब कुछ कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं आंसर. ओके विल सी. बताओ अगर डेजर्ट है तो उसमें दिन में टेम्परेचर कैसा होगा, जल्दी बताओ. वेरी गुड, है ना. कॉलेज में पढ़ा होगा आपने, स्कूल में भी पढ़ा होगा. डेजर्ट में देखो नॉर्मल सी बात है, डेजर्ट में क्या है, मोस्टली लैंड है ठीक है. लैंड का कैसा होता है, लैंड का जो सिनेरियो है वो कैसा होगा कि लैंड जल्दी हीट अप हो जाएगा, लेकिन जल्दी ही वो हीट लूज भी कर देता है. तो क्या होगा, दिन के टाइम में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा और रात के टाइम में टेम्परेचर उतना ही लो हो जाएगा. लो मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे 0 डिग्री हो जाए, ठंड हो जाए, ऐसा नहीं बोल रही मैं, पर दिन के कंपेरिजन में काफी लो हो जाता है राइट. अब देखो क्योंकि दिन के टाइम में टेम्परेचर बहुत हाई है तो वो इंसेक्ट्स भी पॉलिनेट करने बाहर नहीं निकलते. आपने देखा होगा जब भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना तो ये जो इंसेक्ट्स होंगे, छिपकली वगैरह होते हैं, ये छुपे रहते हैं, ऐसा होता है ना. तो यही होता है अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये इंसेक्ट्स वगैरह बाहर नहीं निकलते. अगर इंसेक्ट्स बाहर नहीं निकलेंगे तो पॉलिनेशन कौन करेगा. पॉलिनेशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. जैसे यहाँ पर एक फ्लावर है ठीक है, ये दूसरा फ्लावर है. यहाँ पर क्या होगा, ये मेल फ्लावर है, दिस इज फीमेल फ्लावर. अब रिप्रोडक्शन का तो यही लॉजिक है कि मेल और फीमेल पार्ट्स को रिप्रोड्यूस करना होता है साथ में, है ना. रिप्रोडक्शन का तो सेम लॉजिक है, लेकिन क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, एक दूसरे के पास नहीं जा सकते, तो पॉलिनेशन कौन कराएगा. प्लांट्स में इसको पॉलिनेशन कहते हैं, फ्लावर्स में. तो पॉलिनेशन कौन कराएगा, तो क्या होता है यहाँ पर ना, इंसेक्ट्स इस फर्स्ट प्लांट के ऊपर बैठेंगे ठीक है. वो क्या करेंगे, यहाँ से एक तो नेक्टर, नेक्टर होता है जो वो खाते हैं, वो लेते हैं और साथ में पोलन्स लेते हैं, और अपने साथ पोलन लेके यहाँ पे फीमेल प्लांट में जब बैठते हैं तो वो ट्रांसफर हो जाता है और इस हिसाब से इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है, फ्लावर्स खिलने लग जाते हैं ठीक है. तो क्योंकि इनका मेन एजेंट जो है वो ये इंसेक्ट्स है जो पॉलिनेशन कराते हैं, और दिन के टाइम में बहुत गर्मी होती है तो ये पॉलिनेशन कराने बाहर नहीं निकलते. दैट इज द रीजन कि रात के टाइम पे ही ज्यादातर प्लांट्स जो है वो खिलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द से पढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा गया है. देखते कौन पहले आंसर करता है इसको. यस वेरी गुड सुजीता. सजत ने आंसर दिया है ए, शानू ने आंसर दिया है डी, और पल्लवी ने दिया है बी. अब एक और बच्चा अगर सी बोल दे तो सारे ऑप्शन हो गए. आगे सी भी आ गया आंसर.
ओके सो देखो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की या न्यूट्रिएंट्स की, तो हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में 27 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 15 क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। और उनमें से भी कुछ है जो मेजर क्वांटिटी में चाहिए, कुछ है जो माइनर क्वांटिटी में चाहिए, और कुछ है जो ट्रेस अमाउंट में चाहिए। मतलब ट्रेस अमाउंट का क्या मतलब, कुछ है जो आपको मेजरली चाहिए ही चाहिए, कि उनसे मेजर काम होता है, ठीक है, आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो कुछ, कुछ है जो आपको कम क्वांटिटी में चाहिए, और कुछ है जो आपको एकदम ना के बराबर चाहिए पर जरूरी होते हैं। तो मैं उन सबका बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है अभी आपसे पूछ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो अभी आपसे पूछ लिया गया मेजर क्वांटिटी, तो हो सकता है आपसे माइनर क्वांटिटी भी पूछ ली जाए, माइनर क्वांटिटी में क्या चाहिए होता है। तो मेजर क्वांटिटी में हमने देखा कि क्या चाहिए होता है, मेजर क्वांटिटी में चाहिए होता है के यानी कि पोटेशियम, Mg यानी कि व्हाट इज Mg, मैग्नीशियम, Na दैट इज सोडियम, एंड Ca दैट इज कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये चाहिए होता है मेजर क्वांटिटी में। माइनर क्वांटिटी की अगर बात करते हैं, माइनर क्वांटिटी की अगर मैं बात करती हूँ, तो माइनर क्वांटिटी में क्या चाहिए होता है, Mn, व्हाट इज Mn, कौन बताएगा Mn क्या होता है, सुष्मिता ये क्लास 1 बजे होती है, आज प्रीपोन की गई है बट अदरवाइज ये क्लास 1 बजे होती है, ठीक है। ओके, Mn इज मैंगनीज, Fe दैट इज आयरन, Co दैट इज कोबाल्ट, Cu दैट इज कॉपर, Zn दैट इज जिंक, एंड Mo दैट इज मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो ये माइनर अमाउंट में चाहिए होते हैं, और ट्रेस अमाउंट में क्या चाहिए होता है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं हिंट दे देती हूँ, क्रोमियम, निकल, एल्यूमिनियम, टिन, और इसके अलावा एक और है जो आपको मुझे बताना है, ठीक है। चलिए, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, Mn इज मैंगनीज। ध्यान देना इन दोनों में डिफरेंस क्या है, Mn इज मैंगनीज, Mg इज मैग्नीशियम, ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ, अगर आप सीडलेस टोमेटो फ्रूट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप सीडलेस मतलब आपने देखा होगा ना कभी टमाटर अगर आपने काटा हो या खाने की कोशिश की हो कच्चा टमाटर, तो आपने देखा होगा अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, अगर आप चाहते हो कि वो सीडलेस हो तो कैसे बना सकते हो आप बताओ, तो कहीं मार लो अगर नहीं पता तो। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पे सी ऑप्शन दिया, यानी कि आपको ये तो पता है कि अगर हम हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं फ्लावर पे तो सीडलेस प्लांट होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन, जस्ट अ सेक, कहाँ गया पेन, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा हार्मोन है जिसके स्प्रेड करने पे सीडलेस टोमेटो बनता है, बताओ। हाँ, हार्मोनल से होता है, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं ना, हार्मोनल चेंजेस होंगे तभी उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, अदरवाइज बेसिक स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हो सकता, सीड वाला तो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो देखिए कौन सा हार्मोन है ऐसा, आपको नाम भी पता होना चाहिए, हार्मोन है ऑक्सिन, ठीक है। अगर मैं ऑक्सिन स्प्रेड कर देती हूँ फ्लावर पे तो उससे सीडलेस टोमेटो फ्रूट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर से नहीं। फर्टिलाइजर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, फर्टिलाइजर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसकी ग्रोथ बढ़ा दे, ठीक है, ग्रोथ स्पीड अप कर दे, बस नो प्रॉब्लम, हार्मोन क्या है, ऑक्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिस्ट 1 दे रखी है, यहाँ पे लिस्ट 2 दे रखी है, आपको मैच करना है, नीचे ऑप्शंस है आपके पास, कोड्स है, जल्दी बताओ।
कौन सा ऑप्शन ठीक है फोर्थ का? फोर्थ का डी, सी और डी दोनों आंसर कर रहे हैं बच्चे। चलो पहले तो यहाँ पे साफ साफ देखो, देखो बहुत सिंपल सी चीजें की बारे में। फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या हेल्प करता है? लॉक कर दो सी एकदम। ओके लेट्स सी, तो फोटोसिंथेसिस में क्या हेल्प करता है? क्लोरोप्लास्ट। हमने पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, और उससे फिर बनाते हैं यहाँ पे वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, आपने पढ़ा होगा। तो क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। ओके रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है? या ये भी छोड़ो, ये बताओ प्रोटीन सिंथेसिस किससे होता है? तो आपने पढ़ा होगा प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम से, ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि डी का 4 होगा और ए का 2 होगा, तो सबसे पहले देखो ए का 2 कहाँ पे है, सी वाले में है ए का 2, और वहां पे डी का 4 भी होना चाहिए, डी का 4 भी है, यानी कि सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आपको सब पता होने की भी जरूरत नहीं है, आपको कई बार ऐसा होता है किसी एक का ही पता हो ना तो भी आप ऑप्शन में जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो इसलिए स्मार्टली प्ले करना है, जब आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मॉडिफाइड स्टेम है? चलो ये आई थिंक इजिएस्ट क्वेश्चन होगा मॉडिफाइड स्टेम वाला, तो ये मुझे आप ऑप्शन नीचे चैट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि कौन सा मॉडिफाइड स्टेम है। ये आपका होमवर्क, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड रूट, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट वाइडली यूज इन इंडस्ट्री? कौन सा ऑर्गेनिज्म इनमें से इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होता है बताओ? विकास ये क्लास एक्चुअली 1 PM पे होती है, ठीक है, अभी रोज होगी, अभी फिलहाल इस महीने तो होगी ये, तो 1 PM पे होगी ये क्लास रोज, और 1 आवर की होती है। आज ये जल्दी करवाइए क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, और आज ये सिर्फ 1/2 आवर की है, ठीक है। डी वेरी गुड। देखो इन्होंने पूछा है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो देखो जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की तो आपको पता ही होगा बैक्टीरिया तो यूज होता ही है, जैसे लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस किस में यूज आता है बताओ? हाँ सभी का यूज होता है, बिल्कुल सही, लैक्टोबैसिलस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लैक्टोबैसिलस दही में भी होता है आपके, अदर अदरवाइज लैक्टोबैसिलस की स्पीशीज फर्मेंटेशन में भी यूज होती है, विनेगर वगैरह बनाने में भी यूज होती है। फिर अगर हम बात करते हैं एल्जी की, तो एल्जी जैसे स्पाइरुलिना आपने नाम सुना होगा, ठीक है, इसको स्पेस प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, स्पाइरुलिना है, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो इसको प्रोटीन की तरह, सिंगल सेल प्रोटीन की तरह स्पाइरुलिना यूज होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फंजाई की, तो आपने नाम सुना होगा पेनिसिलिन, क्या है ये पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन इज अ ड्रग फ्रॉम द फंजाई पेनिसिलम नोटेटम,
ठीक है, पेनिसिलिन नोटेटम। और आपको पता ही है कि ये एज अ ड्रग बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि तीनों बैक्टीरिया, एल्जी और फंजाई तीनों ही यूज होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिलस थुरिंजियंसिस ये बीटी कॉटन में यूज होता है बेटा। ओके, जो मॉडिफाइड कॉटन होता है उसमें। यहाँ पे भी दो आपको लिस्ट दे रखी है, आपको उसको मैच करना है। डन? यस, दैट इज एन एंटीबायोटिक, इट्स अ ड्रग, वेरी गुड। इसका आंसर बताओ नेक्स्ट वाले का, सेवेंथ क्वेश्चन का। सेवेंथ का बी, सबने आंसर दिया है बी, वेरी गुड। देखो सबसे पहले तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, सीड और फ्रूट। सीड किससे प्रोड्यूस होता है? सीड किससे प्रोड्यूस होता है? ओव्यूल से। जब ओव्यूल को फर्टिलाइज कर दिया जाए तो वो आगे जाके सीड बन जाता है, और ऐसे ही जब ओवरी का पॉलिनेशन हो जाता है तो वो आगे जाके फ्रूट बन जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है और आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखो सबसे पहले सीड को किससे मुझे मैच करना है? ओव्यूल से, यानी कि बी का वन होगा। और ओवरी को किससे मैच करना है? फ्रूट से, यानी कि ए का फोर होगा। तो देखो ए का फोर कहाँ है? बी और डी दोनों में है। बी का वन कहाँ है? ओनली बी में, यानी कि आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी, आर यू श्योर? ओके चलिए मैं बता देती हूं। जब स्टार्च या सेल्युलोज की बात करते हैं, आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है। स्टार्च हो या सेलुलोज हो, दोनों ही प्लांट ओरिजिन के हैं। कैसे? आपको पता होगा सेलुलोज कहां पे प्रेजेंट होता है प्लांट में, बताओ। आपने सुना होगा ना प्लांट का जो सेल वॉल है, प्लांट में सेल वॉल होता है, हमने पढ़ा है। सेल वॉल मोस्टली किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। दूसरी बात, प्लांट में जब मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस होता है, हाँ कोई नहीं मैं बताती हूँ, प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो मैंने आपको बताया ना कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो वो एक्चुअली इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो यानी कि स्टार्च और सेलुलोज दोनों प्लांट ओरिजिन के, बिल्कुल ठीक है। दोनों पॉलीमर्स है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पॉलीमर का मतलब क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जिसमें, उसको पॉलीमर कहते हैं। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम गिव कलर विद आयोडीन, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मुझे बताओ क्या दोनों ही आयोडीन के साथ कलर देते हैं?
देखो, आपने आयोडीन टेस्ट किया होगा स्टार्च के लिए, याद है आपको कॉलेज में या स्कूल में आपने आयोडीन टेस्ट किया होगा स्टार्च के लिए। तो स्टार्च के अंदर क्या होता है? अमाइलोज होता है। स्टार्च के अंदर अमाइलोज होता है, ठीक है? स्टार्च के अंदर अमाइलोज होता है। ये अमाइलोज जब आप आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये डीप ब्लू कलर देगा आपको। कौन सा कलर देगा? डीप ब्लू कलर देगा। लेकिन अगर मैं सेल्यूलोज की बात करती हूँ तो सेल्यूलोज कोई कलर नहीं देता है आयोडीन के साथ, ठीक है? तो यानी कि कौन सा वाला गलत है? सी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्गोटिज्म। अर्गोटिज्म क्या है? पहली बात तो देखो, अर्गोटिज्म क्या है? ये अर्गोट पॉइजनिंग की वजह से हो जाता है, पहली बात तो, ठीक है? इसमें होगा क्या, एक फंगस है, अगर वो फंगस इंजेस्ट कर लिया जाए, खा लिया जाए, तो उसकी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है और उसी को अर्गोटिज्म भी कहते हैं। जनरली ये सीरियल्स को, राइस को, इनको इफेक्ट करता है, ठीक है? किसको इफेक्ट करता है? सीरियल्स और राइस को इफेक्ट करता है। यानी कि ये किसको इफेक्ट करता है? ग्रेन को। देखो सिंपल सी बात है, ये जो मैंने आपको क्या बताया, ये जो अर्गोटिज्म है, ये किसकी, ये क्या है? अर्गोट पॉइजनिंग कहते हैं इसको। क्या है ये? अर्गोट पॉइजनिंग, ठीक है? अब ये जो अर्गोट पॉइजनिंग है किस वजह से होता है? एक फंगस है, अगर वो आप खा लो, इंजेस्ट कर लो, तो उसकी वजह से होता है। और वो मैं भी बताऊंगी इस फंगस का नाम क्या है। वो फंगस किस पे लगता है? सीरियल्स पे लगता है, मतलब ग्रेन्स पे लगता है। तो ऑब्वियस ही बात है, इन टर्न आपको कोई वो वाला ग्रेन खाना पड़ेगा, तभी आपको ये होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? अर्गोटिज्म किसके खाने की वजह से? कंटामिनेटेड ग्रेन के खाने की वजह से। आपको फंगस कौन सा है कोई बता सकता है? दैट इज क्लेविसेप्स परप्यूरिया। इसकी वजह से ये वाला जो फंगस है, ये कुछ ग्रेन्स पे लग जाता है, राई पे और कुछ सीरियल्स हैं, राइज हैं, इन सब पे इम्पैक्ट करता है। और जब हम उनको खा जाते हैं तो हमको अर्गोटिज्म हो जाता है। सिंपल सी बात है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। जल्दी से पढ़ो इसको। जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर दिया है डी, माइकोराइजा। बिल्कुल सही है। आपने सुना होगा एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये, किसके बीच में? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स उसके साथ फंगस, ठीक है? इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसको माइकोराइजा कहते हैं। इसमें फायदा क्या होगा? सिम्बायोटिक का मतलब होता है दोनों को फायदा हो रहा है। तो इसमें फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि एक्चुअली ये जो फंगस होती है ना, ये वाटर और बाकी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करती है रूट्स में। और इन टर्न उस प्लांट से या एल्जी से ये इन टर्न क्या लेती है? इन टर्न ये कार्बोहाइड्रेट लेती है। तो इसको खाना मिल गया और इधर खाना बनाने में इसने हेल्प कर दी। इसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मतलब दोनों ही आपको एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में कौन सा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज माइकोराइजा। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आप में से जो बच्चे भी, जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उनको क्या करना है? रजनी झा टाइप करना है टेलीग्राम पे और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको
प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे RJNI2603। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझे मेल भी कर सकते हो RJNI.education@gmail.com पे, या फिर अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पेज है UPSC विद रजनी जा, वहां पे भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास गाइज। रात को 10 बजे एनसीईआरटी की क्लास होगी 10 PM पे, डोंट फॉरगेट टू अटेंड दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट कल से फिर से 1 बजे क्लास होगी, यही लाइव टेस्ट, और रात को 10 बजे होगी एनसीईआरटी की क्लास। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।